हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग साई कीर्ति ब्लॉग। आप सबका मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, हंस पुष्ट होंगे, खुश खुशहाल होंगे। चलिए, सवेरा हो गया है, 8:30 हो गए, मतलब उठ गया था बहुत पहले ही, क्योंकि बेटा 6:30 बजे आने वाला था, लेकिन वो अपने फ्रेंड लोग को बस में बैठा के फिर वापस आया, तो उसको लेट हुआ, तो तभी हम उठे हैं। अब जा रहे हैं दूध गर्म करके उसको दे दे, वो नहाने गया क्योंकि बारिश हो रही थी तो भीग के आया। तो यहाँ उतनी नहीं हुई जितनी वो स्टेशन के पास बारिश हुई, तो अभी उसके लिए हम दूध बना के दे देते हैं। दूध पी के वो सो जाएगा, फिर उठेगा तब खाएगा पिएगा जो भी उसको खाने का मन होगा, बना देंगे उसके लिए। और इधर हम चाय भी बनाना स्टार्ट करते हैं और दूध गर्म करने लगते हैं। पहले गर्म पानी पी लेते हैं, उसके बाद फिर आगे का काम करेंगे। कपड़े मशीन में चालू कर दिए क्योंकि आज पानी शायद जल्द नहीं आने वाला है, ख़त्म हो जाएगा तो फिर टैंकर का पानी आएगा, तो खारा पानी होता है ना SMC से आता है मीठा पानी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दूसरी जगह से मंगाते तो खारा पानी आता है, तो उसमें ना साबुन सर्फ से काम करने में ना और चिकना चिकना हो जाता है हाथ, तो इसीलिए वो पानी है जब तक अपने टंकी में मीठा पानी, तो अपना कपड़ा धो के फ्री हो जाते हैं। क्या करें, बड़ी दिक्कत है, जगह जगह पाइपलाइन का काम चल रहा है, कहीं पाइपलाइन डैमेज हो जाता है ये सब के चक्कर में, तो पानी का ऐसे ही रहता है। चलिए, हम गर्म पानी पिए पहले, उसके बाद फिर चाय बनाते हैं, दूध गर्म करते हैं, बेटा को देते हैं, फिर आगे का काम करेंगे। डस्टिंग कर देंगे, अभी तो 8:30 हुआ, डस्टिंग कर देते हैं, काम वाली आएगी तब तक मेरा आधा ही हो जाएगा। चलिए, मिलते हैं चाय पीते वक्त। चलिए, मेरे बेटे के लिए ब्रेड में चीज़ डाल के बटर लगा के सेक के दे रहे हैं, उसको खा लेगा भी नाश्ता। उसके बाद हमने यहाँ पे मेरा जीरा राइस बन गया है, ये टिंडे आलू की सब्जी बन गई है, यहाँ मेरा दाल फ्राई हो गया है, बस गरम गरम रोटी बनाएंगे, बेटा को ये सेक के दे देते हैं। ब्रेड के बीच में ये चीज़ लगा के फिर कट करके दे देंगे। वैसे हम ये मेरा ये है इसमें बना सकते हैं, लेकिन हम तवा में सेक के दे दिए हैं शॉर्टकट में। उसमें उसको चालू करो फिर गरम करो, फिर रखो, फिर पोछो, बड़ी झंझट। उससे तो तवा में फटाफट सेक के दे दिए, रोटी तो बनानी ही है मेरे को। चलिए, इसको दे देते हैं, फिर आगे का हम रोटी बनाने का काम करें। अब भी कपड़ा सुखाए, तुरंत बादल आ गया काला, हम कपड़ा ले ही लेते हैं, तो बरस जाएगा तो मेरा ये कपड़ा फिर गीला हो जाएगा, अंदर हैंगर में ही डाल देते हैं, कोई भरोसा नहीं। देखिए, एकदम काला हो गया है और हवा चलने लगा, माने तेज़ बारिश होगा, थोड़ा सा तो होगा, अभी चालू होगा तो, अगर तेज़ भी होगा तो भी दिखाएंगे, मध्यम होगा तो भी दिखाते हैं। चलिए, पहले ये कपड़ा ले लेते हैं, कब डबल काम हो जाता है, अब बाहर सुखाना बंद जब तक बारिश का आसार रहेगा। देखिए, बारिश चालू, रिमझिम रिमझिम बारिश में, तेज बारिश, हवा के साथ बारिश, हमारे यहाँ सूरत में बारिश बरस रहा है, मॉनसून आ गया है, वहाँ ठंडा हवा, वहाँ खिड़की का दरवाज़ा खोल दीजिए, खिड़की खोल दीजिए, कितना मस्त हवा के साथ है। चलिए, कोई नहीं, अब हम लोग बारिश का मजा लेंगे ठंडी हवा के साथ, वाह वाह क्या ठंडा हवा है। चले जाए, मेरे हस्बैंड जी को नाश्ता दें, बारिश है तो बोल रहे लेट जाएंगे, मज़ा आएगा। अब तो मिट्टी का सुंदर सुंदर खुशबू आता है तो कितना अच्छा लगता है। हाँ, देखिए, बारिश ने जोर पकड़ लिया, रिमझिम बारिश होते होते हवा के साथ तेज बारिश है। चलिए, हम जाएं, मेरे हस्बैंड जी को नाश्ता दें, जस्ट लाइक खाना ही दे दें क्योंकि सब कुछ बन गया है। चलिए, वो लेट जाएंगे, बारिश हो रहा है तो थोड़ा लेट से निकलेंगे, सभी जगह बारिश हो रहा है। चलिए, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। चलिए, अंदर टांगने वाला कपड़े का दिन आ गया है,
बारिश अभी बंद हुआ है। चलिए हम जाए खा लें, भूख लग रहा है, भूख जबरदस्त लग गई है। बेटा बाद में खाएगा, उसको ब्रेड दे दिया था जो, तो बाद में खाएगा। हम ज़्यादा पहले रोटी बनाए थे वो खा लेते हैं, मेरे हस्बैंड जी को खिला दिए तो लेट जाएंगे तो टिफ़िन की ज़रूरत नहीं है, तो हम अपने लिए रोटी सब्जी वही बनाए। चलिए खा लेते हैं, भूख लग रहा है ज़बरदस्त। खाते वक्त मिलते हैं आपसे। मेरी टिंडा आलू की सब्जी रोटी, ये कल बाजू वाली दादी ने मुठिया बनाया था वो दिया था, तो कल हम खाए नहीं थे, बाहर चले गए थे खाने, तो फ्रिज में रख दिया था। अब इतना थोड़ा सा कौन गर्म करे, अब यही खा लेते हैं। और सलाद और एक छोटा सा मिर्ची, तीखा नहीं, बच्चा मिर्ची खाएंगे अभी। चलिए 12 के ऊपर हो गया है, खा लेते हैं। फिर दूसरा ट्रिप कपड़ा वॉश हो रहा है, वो भी सूख जाएगा तो धोएंगे सुखाएंगे। हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए शाम के 6:30 हो रहे हैं और बादल है, बादल है, धूप छाँव ऐसे ही है। हम चले अपना काम का तैयारी करें। और काम में मेरा है कल जो सब्जी काट के रखा था बनाने के लिए, सो कल नहीं बनाया, वो आज बनाएंगे। आपको तो पता ही है मेरा ऐसे ही होता है। वो करेंगे। फिर ये मिर्ची हमने धो धा के रखा है, इसका पेस्ट बनाना है, मिर्ची और अदरक का पेस्ट। चलिए आपको दिखाते हैं कि हम सब्जी कौन सा बनाने वाले थे कल और आज उसको बनाने वाले हैं। देखिए 4 ये वाली मिर्ची थी, तो इसको भी धो के निकाल लिया। अभी इसको भी ये मिर्ची के साथ, तीखी वाली मिर्ची के साथ, ये बहुत तीखी मिर्ची है, इसके साथ अदरक डाल के पेस्ट बना देंगे। और ये बैंगन आलू हम कल काट के धो के रखे थे, तो उसको वापस फ्रिज में डाल दिए थे। तो अभी क्या है ना, रूम टेम्परेचर करने के लिए नॉर्मल पानी में डाल दिए, क्योंकि फ्रिज में था कल शाम से। सवेरे तो कुछ और सब्जी बना दी तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो अभी बनाएंगे। इसमें थोड़ा सा मटर डाल देंगे, आलू बैंगन मटर टमाटर की सब्जी बनाएंगे। थोड़ा सा आटा तैयार कर लेंगे, बस हो गया। तो चलिए अभी हम पहले मसाला पीस लेते हैं और एक तरफ सब्जी छौंक लेते हैं। देखिए हम खाना बनाने आए क्या किचन में, बाहर बारिश होने लगी, रिमझिम तेज बारिश हवा के साथ, मौसम ठंडा हो गया। चलिए मेरा सब्जी छौंक दिए हैं, आटा तैयार कर लिए हैं और अब आए हैं रूम में। जो सूख गए हैं कपड़े वो फोल्ड करके अपनी अपनी जगह रख दें, प्रेस वाले कपड़े अपने मतलब पैक करके रख दें, क्योंकि आज बुधवार जो भी आने वाला है। और जो प्रेस करके कपड़े आए थे प्रेस से, उसको अपनी जगह रखना बाकी है, तो चलिए वो भी कर देते हैं। संध्या बत्ती मेरा बेटा को बोल रही है कि तुम कर देना बेटा, थोड़ा हम ये सब काम निपटा लेते हैं। और फिर हम आपको कुछ बोलने वाले थे कि इतने दिन बाद हम ब्लॉग को स्टार्ट किए हैं। फुटपति से आए ना, तो उसके बाद ना इतनी गर्मी थी ना, तो गर्मी से मेरे को ना पूरे बॉडी में इचिंग होने लगता था, और पूरे बॉडी में इचिंग होने के बाद दाना दाना निकल आता था, तो उनको एलर्जी का दवाई खाना पड़ता था। अभी इतना परेशान हो गए थे ना कि क्या बताएं, बहुत ही परेशान हो गए थे। तो वो तो चलिए साइड रखी, उसका तो कोई ये नहीं है, दवाई खाओ ठीक हो जाओ। और फिर इसी बीच मेरे बेटे का एडमिशन का लेटर आ गया बेंगलोर में, तो कहाँ एडमिशन हुआ वो भी आपको बताएंगे, थोड़ा कुछ दिन के बाद आपको पता चल जाएगा कि कहाँ हम लोग जाने वाले हैं। जाने वाले तो बेंगलोर में हैं, और कहाँ एडमिशन हुआ वो भी बताएंगे। तो उसके प्रिपरेशन में भी लगे हुए हैं, क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है। फिर अभी एक दिन बाद परसों घर में सत्यनारायण का कथा रखा है, उसका भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बेटा के यहाँ तो पूजा करवाएंगे, तो वो सब तैयारी में लगे हुए हैं, तो इस वजह से थोड़ा ये था। और सच में मेरे को एकदम भी मन नहीं कर रहा था ब्लॉग बनाने का, तो हमने चलिए अभी कितना दिन छुट्टी लें ब्लॉग बनाने से, कुछ तो दिखाते ही ना के बराबर भी दिखाते, लेकिन दिखाते तो हैं। तो सोचा कि चलिए आज से बनाना चालू, मतलब कल से बनाना चालू करते हैं। और देखो कल बनाना चालू किए, कल अपलोड किए तो कॉपीराइट आ गया, अभी हमको पता नहीं चल रहा है कि किस वजह से आया, कौन सा म्यूज़िक हमने सेलेक्ट किया जिसका कॉपीराइट ही नहीं हुआ, ऐसा हमको कुछ समझ में नहीं आता। हम अपने से करते हैं, जो मस्त समझ में आता वो हम करते हैं, क्योंकि हम किसी का हेल्प लेते नहीं हैं, जितना समझ में आता उतना करते, इतना प्रोफेशनल तो है नहीं।
एक एक चीज़ बारीकी से ले और करें, चलता है। लेकिन मेरा चैनल भी ग्रो नहीं हो रहा है, व्यूज़ भी नहीं बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइब भी नहीं हो रहा है ज़्यादा, लेकिन चलेगा। मेरा ये क्या है, एक मेरा मन बहल जाता है, जैसे कि मेरे से कोई बात करने वाला होता नहीं घर में, तो आप लोग के थ्रू बात कर लेते हैं, ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, वो बता देते हैं। बस होप करते हैं कि सबको पसंद आए मेरा वीडियो, जो भी है जितना भी है। चलिए कोई नहीं, अभी तो हम जा रहे हैं, ये कपड़े फोल्ड करके आगे का काम करेंगे, फिर बेटा का क्या है कैसा है आपको धीरे धीरे अपडेट देते रहेंगे। चलिए, कल तो मेरा बेटा वहाँ गया था, आपको तो बताए थे, आज सवेरे आया है, आया उसके बाद आज दोपहर में फिर चला गया अपने फ्रेंड लोग के साथ। मतलब जितने दिन है हमारे पास, तो हमारे साथ टाइम स्पेंड करे, उसके लिए उतना टाइम नहीं है, अपने दोस्तों के लिए टाइम स्पेंड करने के लिए टाइम है। चलेगा, कोई बात नहीं, हम लोग उसमें भी खुश हैं, जहाँ वो खुश वहाँ हम खुश। चलिए थोड़ा काम निपटा लेते हैं, उसके बाद फिर तब तक मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे। टीवी वाला अभी तक आया नहीं, टीवी रिपेयरिंग करने के लिए एक घंटा दो घंटा ऐसा करा, 5 बजे आने वाला था, फिर बोला 6 बजे आऊँगा, अब पता नहीं अब कितने बजे आएगा, देखते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे, थोड़ा बहुत काम निपटा लिया उसके बाद। टीवी रिपेयर करने वाला आ गया सोफ़ा में, वहाँ पे बैठ के टीवी रिपेयर कर रहे हैं, देखते हैं क्या फॉल्ट हुआ है टीवी में। हम बाहर नहीं जा रहे, बेटा संभाल रहा है, बेटा देख रहा है। चलिए हम वेट करते हैं थोड़ी देर। चलिए फ्रेंड्स, बैगन आलू की सब्जी, रोटी, ये चटपटा मिक्सचर ले लिए, अभी दीगर इंसान्स गए थे कल तो वहाँ से लेके आए, फिर ये मेरा सलाद और ये केसर आम। चलिए हम लोग खाने बैठे हैं, मेरे हस्बैंड बेटा भी बैठ रहे हैं, अपना अपना थाली परोस रहे हैं, हम परोस लिए और हम खाते हैं, मिलते हैं खाने के बाद। ये फैन पंखा देखिए चल रहा है, आपको इसका आवाज़ आएगा मेरे ब्लॉग में। खा लेते हैं फिर मिलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम सबका हो गया खाना पीना, अभी हम चले सोने, नींद आ रहा है, ये ब्लॉग हम यहीं करते हैं। आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा, जो भी मेरे चैनल पर नए जो यूट्यूब चैनल, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ये हवा खा पंखे का आवाज़ सुनते हुए मेरे को अच्छा अच्छा कॉमेंट्स करें। चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, सी यू अगेन, लव यू ऑल, बाय बाय फैन, बाय।